नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, अचूक दवाओं की राह खोलेगा आयुर्जेनोमिक्स, भारत का प्रदूषण क्यों है ज्यादा घातक और गंगा के मैदानों में घट रही है बारिश। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति को ठंडे स्थानों में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, किस व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए या किस व्यक्ति पर कौन सी औषधि ज्यादा कारगर हो सकती है। इसी तर्ज पर आयुष मंत्रालय और CSIR के वैज्ञानिक भी लोगों की प्रकृति की पहचान के लिए जीन आधारित टेस्ट विकसित करने में जुटे हुए हैं। इससे बीमारियों के उपचार की राह आसान हो सकेगी, क्योंकि लोगों की प्रकृति के आधार पर अचूक दवाएं बनाना संभव हो सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के लिए 3 दोष कफ, पित्त और वात को जिम्मेदार माना जाता है। CSIR के वैज्ञानिक इसी सिद्धांत पर खोज कर रहे हैं। CSIR की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एवं इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB कई सालों से प्रोजेक्ट आयुर्जेनोमिक्स पर काम कर रही है और कुछ शुरुआती सफलताएं भी मिली हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने कफ प्रकृति की जांच के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया विकसित करने में सफलता हासिल की। IGL-1 जीन की संरचना की जांच से पता चल जाता है कि व्यक्ति कफ प्रकृति का है या नहीं। ऐसे ही टेस्ट वात एवं पित्त प्रकृति जानने के लिए भी विकसित किए जाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसान की प्रकृति की पहचान से भविष्य में उनके लिए प्रकृति के अनुरूप दवाएं बनाना भी संभव होगा, क्योंकि हर दवा हर व्यक्ति पर असर नहीं करती। यदि प्रकृति के आधार पर दवा का निर्धारण हो तो वो ज्यादा उपयोगी साबित होगी। आयुष मंत्रालय ने IGIB आयुर्जेनोमिक्स पर शोध के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस की स्थापना की है और इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है, ताकि वैज्ञानिक प्रकृति जानने के लिए जेनेटिक टेस्ट विकसित कर सकें और इन दोनों को दूर करने के तरीके और दवाएं भी ईजाद कर सकें। पूर्व में CSIR की ही हैदराबाद स्थित अन्य प्रयोगशाला सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने करीब 3,500 लोगों की जेनेटिक संरचना का अध्ययन कर इस बात की पुष्टि की थी कि आयुर्वेद का प्रकृति सिद्धांत सही है, लेकिन आयुर्वेद में प्रकृति की जांच का कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्सक सिर्फ लक्षणों के आधार पर निर्धारित करता है कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है और उसका उपाय क्या होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर के नेतृत्व में हुए एक अहम शोध में दावा किया गया है कि भारत और अमेरिका के प्रदूषण में भारी फर्क है। भारत का प्रदूषण अमेरिका के प्रदूषण की तुलना में 5 गुना ज्यादा घातक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT कानपुर समेत 5 वैज्ञानिक संस्थानों के शोध के अनुसार दिल्ली की हवा में मौजूद PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कण अमेरिका के इलिनायस में पाए गए PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कणों से 5 गुना ज्यादा घातक हैं। IIT कानपुर और दिल्ली, इलिनायस विश्वविद्यालय अमेरिका, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद तथा पॉल सेरर इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड ने मिलकर ये शोध किया। हाल ही में एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स ने इसे प्रकाशित भी किया। इस शोध में हवा में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का रियल टाइम आकलन करके ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल यानी OP निकाला गया। OP से किसी प्रदूषक की उस ताकत का आकलन किया जाता है जिससे वो शरीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट को चोट करता है और कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। इसका आकलन डिथायोथ्राइटॉल यानी DTT प्रक्रिया से होता है। पहली बार IIT के शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए ऑनलाइन DTT वैल्यू निकाली। ये शोध हमने 2019 में किया और ये अपने मामले में इस तरह से अनोखा था, क्योंकि पहली बार ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का ऑनलाइन मोड में भारत में पहली बार ये इसकी खोज की गई। इसके पहले एक दो जगह और भी किया गया था ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल के बारे में पता, लेकिन वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो थी, जो फिल्टर पे पार्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करके, जैसा हमने पिछली बार आपसे डिस्कशन किया था, इस शोध में अनोखी बात यह थी कि जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हम सैंपल कर रहे थे, उसी समय ऑनलाइन टेक्निक से हम उसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल भी पता कर रहे थे। चूंकि उसी समय हमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी मेजर हो रहे थे ऑनलाइन, जैसे कि आप जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आ रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसी समय आप पता कर रहे हैं कि उसका पूरा ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या है, तो आपके पास ये सारे महत्वपूर्ण डेटा ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक दूसरे से संबंधित या कोरिलेट कर सकते हैं और आपको एक ज्यादा अनुमान लग सकता है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि बेसिकली धूल के, धुएं के और विभिन्न प्रकार के जो कण वायुमंडल में पाए जाते हैं वातावरण में और जिनका की डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होती है, उन वो कई तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बने होते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें ये बात थी कि आप पता कर रहे हैं कि उनका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या है और साथ में आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या सल्फर के कण ज्यादा हानिकारक हैं या किसी प्रकार के मेटल हैं या कुछ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ज्यादा हानिकारक हैं। इस तरह से ये खोज इस प्रकार से पहली बार भारत में की गई। दिल्ली में पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की डीटीटी अर्थात ओपी की औसत वैल्यू 1.57 nmol प्रति मिनट प्रति घन मीटर आकी गई। शोध के प्रमुख लेखक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सचिदानंद त्रिपाठी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में पाए जाने वाले पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 35 घातक तत्व मिश्रित हैं और वो विभिन्न स्रोतों से आ रहे हैं, जैसे जैव सामग्री को जलाने, वाहनों, कोयला बिजली घरों का उत्सर्जन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक कारखानों से निकलने वाले सूक्ष्म कण। दिल्ली की हवा में क्लोरीन, ब्रोमीन, सेलेनियम, सल्फर, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, कॉपर, कैडमियम, लेड समेत 15 किस्म के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि शोध ये भी बताता है कि दिल्ली में पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की सघनता अमेरिका के पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर की तुलना में करीब 13 गुना ज्यादा है। सघनता ज्यादा होने से भी सांस लेने में तकलीफ होती है और हवा की गुणवत्ता खराब होती है, लेकिन ओपी वैल्यू ज्यादा होना सीधे उसके घातक होने का प्रमाण है। मानसून के दौरान जहां एक तरफ देश के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो रही है, वहीं बेमौसमी बारिश बढ़ रही है। बारिश में सबसे ज्यादा कमी गंगा के तटीय मैदानी क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखी गई है। तो क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी से बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा देश की जलवायु में आ रहे बदलावों पर जारी एक अध्ययन रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन के अनुसार गंगा के मैदानों में बारिश घट रही है। गंगा के तटीय मैदान में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक का हिस्सा आता है। गंगा का कुल तटीय क्षेत्र करीब 25 लाख किलोमीटर है और कृषि के लिहाज से ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में करोड़ों लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। ज्यादातर लोग मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए मानसूनी बारिश में कमी का रुझान चिंताजनक है। इसी प्रकार बेमौसमी बारिश खेती को तबाह कर देती है। हालांकि पश्चिमी घाट में मानसूनी बारिश काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें थोड़ी कमी का अल्पकालिक प्रभाव नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है
कि 1951 से 2015 के बीच के मानसूनी बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण करने से संकेत मिलते हैं कि इस दौरान देश में जून से सितंबर के बीच चार महीनों में मानसूनी बारिश में 6% की कमी दर्ज की गई है। लेकिन गंगा के मैदानी भागों और पश्चिमी घाट में ये कमी कहीं ज्यादा पाई गई है। रिपोर्ट में बारिश के पैटर्न में बदलाव को लेकर दूसरा नतीजा ये निकाला गया है कि देश में स्थानीयकृत भारी बारिश की आवृत्ति में इजाफा हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थानीय मौसमी स्थितियों के निर्मित होने की वजह से होने वाली बारिश बढ़ रही है। ऐसे बारिश अचानक किसी खास इलाके में होती है। रिपोर्ट में बारिश के पैटर्न में आ रहे बदलावों की वजह पर भी प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिक स्पष्ट तौर पर इसे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव मान रहे हैं जिनका उत्सर्जन बढ़ रहा है। दूसरे स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के ज्यादा निर्मित होने की मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग के अलावा बढ़ता शहरीकरण, भूमि का बदलता उपयोग तथा वायुमंडल में धूल कणों यानी एरोसोल का बढ़ना है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।